हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़ गया? कैसे चल रहा है? सब ठीक ठाक? बेसिकली आज मेरा टॉपिक जो है सॉलिड स्टेट का सीरीज के हिसाब से चल रहा हूँ मैं इसी पे। होता क्या है कि हम देखा जाते हैं कि यूनिट सेल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो कितना हिस्सा इनसाइड कंट्रीब्यूट करता है। प्रीवियस वीडियो में से मैंने बीसीसीएफसी सिंपल क्यूबिक वगैरह के बारे में बताया आपको, बट अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्यूबिक और हेक्सागोनल अगर प्रेजेंट है, दो टाइप के स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो उस केस में एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। वो देखिए कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट इन वन यूनिट सेल। अगर मान लीजिए आपके पास क्यूबिक है, ये रहा मैंने क्यूबिक डायग्राम बना रखा है, कॉर्नर पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है मतलब ये सिर्फ 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है इनसाइड द यूनिट सेल। अगर यही चीज हेक्सागोनल में आएंगे, कॉर्नर का कोई भी एटम प्रेजेंट दैट इज 1/6 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट पार्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर। अगर मान लीजिए यहां सेंटर पे प्रेजेंट है, जो बॉडी सेंटर्ड की हम बात करते हैं, ये सिर्फ 1/1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट, सॉरी 1/1 पूरा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। बिकॉज अगर हम बॉडी सेंटर्ड में आते हैं तो अगर आप देखें यहाँ पे स्फीयर अगर बीसीसी कंडीशन में है, सेंटर पे बिल्कुल है, तो ये पूरा पूरा बॉक्स के इनसाइड आ गया, मतलब पूरा पूरा एटम कंट्रीब्यूट, दैट इज 1 एटम के बराबर कंट्रीब्यूशन 100% होगा इसमें। यही चीज अगर आप इसमें आएंगे देखिए तो पूरा 1 एटम के बराबर कंट्रीब्यूशन है हेक्सागोनल के अंदर भी। थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर इज हाफ इन एफसीसी। एफसीसी का मतलब अगर हम यहाँ फेस पे एटम जो प्रेजेंट दिखाई देते हैं, ये फेस पे जो एटम प्रेजेंट है ये 1/1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं इनसाइड द यूनिट सेल, बाहर हाफ करते हैं, तो जो दो यूनिट सेल से शेयर होता है। थ्री डायमेंशन में थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, इधर भी यूनिट सेल है, इधर भी यूनिट सेल है, इधर भी यूनिट सेल है, आपको सोचना पड़ेगा इस चीज के बारे में आगे पीछे, थ्री डायमेंशन थ्री डी में सोचना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि अगर मान लीजिए किसी एज पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई एटम प्रेजेंट है या यहाँ पे कोई एटम प्रेजेंट, तो वो कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज कॉल्ड 1/4। वो कैसे देखिए, एक तो यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहा है, एक इसके पीछे दो हो गए और दो ऊपर दो नीचे, ये समझ लीजिए दो ऊपर दो नीचे, अल्टीमेटली 4 पार्ट ये एटम डिसाइड कर रहा है, तो 1/4 पार्ट लेते हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जैसे आप हेक्सागोनल में आएंगे वहां पे ये बातें देखिए, आप अगर फेस पे आते हैं, फेस मान लीजिए जिसके फेस पे आप लेंगे दैट इज 1/1/2 पार्ट होगा, क्लियर है। बट अगर आप एज पे आएंगे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ पे तीन साइड होता है, एक होता है देखिए ए, एक होता है बी, एक होता है सी, ये तीनों डायरेक्शन है। अगर ए के एज पे प्रेजेंट है या बी के एज पे प्रेजेंट है तो याद रखिएगा ये हमेशा 1/4 पार्ट, मतलब ये एटम तकरीबन 4 हेक्सागोनल यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब शेयर करेगा, इसी वजह से 1/4 पार्ट ए और बी के लिए लेते हैं, दोनों के लिए सेम लेते हैं। बट अगर आप सी पे आएंगे, सी पे मतलब इस लाइन के बीच में कहीं आ जाते हैं, ऐसे केस में 1/3 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है कि एच पे क्या प्रेजेंट होगा, हेक्सागोनल कंडीशन में क्या होगा, क्यूबिक कंडीशन, ये मैंने क्यूबिक कंडीशन में डिसाइड किया बताया आपको, और ये आपका है हेक्सागोनल कंडीशन। तो हेक्सागोनल, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या आपको अंडरस्टैंड करना होगा, उस वक्त आपको हमेशा ये ख्याल रखना पड़ेगा कि एटम का कंट्रीब्यूशन इनसाइड द यूनिट सेल कितना होता है, क्यूबिक में क्या होता है और हेक्सागोनल में क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सॉलिड स्टेट के लिए, आई टॉपिक समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।